मध्य प्रदेश के पुरुष इन दिनों बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। पुरुष ओलिगोस्पर्मिया बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती जा रही है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने शुक्राणु की कमी और नपुंसकता पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने बताया कि सिर्फ रीवा संभाग में निःसंतानता के 126 मामले चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल में निःसंतानता जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रुस्तम सिंह ने बताया कि महिला स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से निःसंतानता दंपतियों की पहचान की जा रही है और बीपीएल परिवारों को निःसंतानता उपचार हेतु राशि दी जा रही है। सदन के बाहर मीडिया से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निःसंतानता बड़ी समस्या है, इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है, शुक्राणु कम हो रहे हैं ये तो केवल डॉक्टर बता सकता है। उन्हें कहा नपुंसकता बढ़ रही है, केवल उस पति की पत्नी ही बता सकती है। देर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 136 जो दी है ना, ये वो संख्या है। हम लोग कैंप लगाते हैं, कैंप में वो आते हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष भी आते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा। उसका मतलब ये नहीं है कि वो नपुंसक है। बच्चा न होना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, नपुंसक होना ये ऑल टुगेदर डिफरेंट। या तो वो समझ नहीं पाए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, शुक्राणु कम होने का मतलब नपुंसकता नहीं है। शुक्राणु कम होना किसी डिसीज की वजह से हो सकता है और वो डिसीज ठीक हो सकते हैं। विभाग ने 3 लेवल की व्यवस्था की है। एक जिला लेवल पर जो छोटी पूरी समस्या है तो ठीक हो जाती है। देखना ये पड़ता है कि संतान क्यों पैदा नहीं हुई। फीमेल में कहीं कोई लेस है किसी चीज़ का तो उसको डिटेक्ट किया जाता है, पुरुष में तो उसको किया जाता है और तदनुसार इलाज किया जाता है। वो भी अगर ये 136 वही हैं जो उसमें आए, जो जांच में उन्होंने खुद आके अपियर हुए, इसमें व्यवस्था की हुई है। जो राज्य बीमारी सहायता की हद में जितने लोग आते हैं उनको हम फर्स्ट लेवल तो जिला लेवल पर होता है, सेकेंड लेवल भोपाल और इंदौर लेवल पर होता है और उसमें जो लोग जाते हैं उनको व्यय के लिए 50,000 रुपये प्रत्येक पेशेंट को मध्य प्रदेश सरकार राजमार्ग सहायता से देती है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।